तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिकनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सल और जॉट फॉर्म को कनेक्ट करके चलता है न्यू टैब पे आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज पैबली बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशन को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन ऑफ फॉर फ्री पे जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पब्लिक ये पांच पांचवें एप्लीकेशन आज हमको यूज करना है पब्लिक कनेक्ट का तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड इसके बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्क फ्लो पे जैसे आप क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्क फ्लो को एक नाम देना है तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ एट माइक्रोसॉफ्ट एक्सल रो फॉर जॉट फॉर्म सबमिशन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे क्रिएट पे क्लिक करते आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या बेस्ड होते हैं इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन वेन दिसपन्स मतलब जब ऐसा हो तो एक्शन कहता है डू दिस मतलब ऐसा कर दो तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी जॉट फॉर्म पे जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है इसमें कोई सबमिशन हमको रिसीव हो तो उसकी डिटेल्स हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं एक्सेल की रो में तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है जॉट फॉर्म जैसे तो मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और जॉट फॉर्म पे क्या हो रहा है जॉट फॉर्म पे हमको कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो रहा है तो हमारा ट्रिगर इवेंट होगा न्यू रिस्पॉन्स मतलब कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना और देखिए ट्रिगर इवेंट चूज करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है की मदद से जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास होगा कैप्चर वेब का काम ही होता है दो एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना ये ऐसा ब्रिज की तरह करता है एक्ट तो जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा हमको रिसीव होगा वो इस यू की मदद से पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर और ट्रांसफर कर देगा एक्शन एप्लीकेशन की ओर जो कि होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल जैसे मैं चूज कर लूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या हो रहा है एड रो टू वर्कशीट क्योंकि एक्सेल में हम नई रो एड कर रहे हैं वर्कशीट में क्योंकि जब भी फॉर्म सबमिशन से जो भी डेटा हमको रिसीव होगा तो वो एक्सेल के रो में होता जाएगा एड इसलिए मैंने एक्शन इवेंट चूज किया है एड रो टू वर्कशीट अब देखिए वापिस चलते हैं हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन पे और जॉट फॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों के अकाउंट को हम वन बाय वन करके कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट करेंग से सबसे पहले जॉट फॉर्म को हम कनेक्ट करते हैं कि जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर ले कैप्चर इस यू की मदद से तो देखिए ये आपको ऐसा करना है कॉपी जाना अपने जॉट फॉर्म के अकाउंट पे तो देखिए मैंने तीन फॉर्म क्रिएट करें एक का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म जॉब एप्लीकेशन फॉर्म और इंक्वायरी फॉर्म फॉर ट्रेवलिंग आज जो फॉर्म मैंने सेलेक्ट किया है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म ये फॉर्म मैंने क्रिएट किया है जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो उसकी डिटेल्स मैं एक्सेल में ऐड करना चाहता हूँ भी ऑटोमेटिकली तो देखिए फॉर्म मैं करता हूँ ओपन क्लिक करना आपको एडिट फॉर्म पे एडिट फॉर्म पे जाने के बाद आप देख सकते हैं फॉर्म आपके सामने आ जाएगा फॉर्म का नेम है कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे मैंने कुछ फीड्स बनाई हैं जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई एंड कॉन्टैक्ट नंबर अब ये जो फॉर्म सबमिशन का डेटा है जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स एक्सेल में रिकॉर्ड हो पर उससे पहले उसके पहले हमको एक ऐसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा इस फॉर्म और पेब्लिकनेट के बीच में कि जैसे कोई नया डेटा इस फॉर्म सबमिशन से हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर ले पेब्लिकनेक्ट अपने पास तो जाऊंगा मैं फॉर्म पे इसके लिए आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे इंटीग्रेशन का आपको जाना है इंटीग्रेशन पे और इसके बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है मैं सर्च करूंगा वेब और और की मदद से जो भी डेटा इस फॉर्म सबमिशन का वो हम भेज देंगे पब्लिक कनेक्ट के पास अब जैसा कि आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट में हमको एक वेब मिला था ये सेम वेब बुक यूरल हम यहाँ से करेंगे कॉपी जाएंगे जॉट फॉर्म पे इसको यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट इस वेब बुक यूरएल की मदद से जो भी डेटा इस फॉर्म सबमिशन का वो पब्लिक कनेक्ट के पास जाएगा क्लिक करना आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन पे और देखिए हमारा इंटीग्रेशन पे रेडी हो चुका है मैं क्लिक करूंगा फिनिश पे और जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है कॉन्टेक्ट फॉर्म अब ये फॉर्म कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट आप देख सकते हैं पे लिखा है वेटिंग फॉर वेबुक रिस्पॉन्स पब्लिक कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और इंस्ट्रक्शन में हमको बोला गया है कि हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और करना है टेस्ट सबमिशन मतलब जाना है जॉट फॉर्म के अकाउंट पे और ये जो फॉर्म है फॉर्म हम करेंगे फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ तो आप देखेंगे जो भी इसका डेटा है वो पब्लिक पब्लिकनेट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर तो क्लिक करना आपको पब्लिश पे और देखिए ये हमारे फॉर्म का लिंक इसको मैं करूँगा ओपन इन न्यू टैप और देखिए फॉर्म हमारे सामने हो गया ओपन चलिए इसको करते हैं फिल मान लीजिए फर्स्ट नेम ने में टेस्ट लास्ट नेम ने में यूजर ई मेल है टेस्ट डेमो एट द रेट पब्लिक और यह है कॉन्टेक्ट नंबर आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं ऐसा कस्टमर एज अ लीड यह फॉर्म फिल कर रहा हूं कि मतलब मैंने ये फॉर्म कहीं पे देखा है अब ये फॉर्म मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिल अब जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे फिल किया है देखिए फॉर्म सबमिशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है अब जो भी डेटा मैंने पे फिल किया है वो पेब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लिया होगा कैप्चर तो चलते हैं पेब्लिक कनेक्ट पर पे और देखिए एपीआई रिस्पांस यहाँ पे मेरे को हो चुका है रिसीव स्क्रॉल ऑन करता हूँ नीचे और देखिए ये है फॉर्म सबमिशन का पूरा डेटा ये था फर्स्ट नेम टेस्ट लास्ट नेम यूजर ई मेल आई डी कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है ये है हमारे फॉर्म का नेम कॉन्टैक्ट फॉर्म इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है हमने जॉट फॉर्म को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से अब जॉट फॉर्म पे जब भी कोई नया रिस्पांस हमको रिसीव होगा उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में नई रो एड करनी है तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सल के अकाउंट पे क्लिक करते हैं कनेक्ट पे जाना एड डू कनेक्शन पे फिर क्लिक करना कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सल और देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सल का अकाउंट भी ऑलरेडी लॉग्ड इन एंड न्यू टैब पे तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करनी है एक्सेल को कनेक्ट करने के लिए तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे क्लिक करूंगा एक्सेप्ट पे और आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा सक्सेसफुल और हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आपको चूज करनी है वर्कबुक कि किस पर्टिकुलर वर्कबुक में आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो देखिए जो हमारी वर्कबुक का नेम है वो है जॉट फॉर्म सबमिशन इस पर्टिकुलर वर्कबुक में मैं सारी डिटेल्स बुक करना चाहता हूं जो भी मेरे को जॉट फॉर्म से मिल रही है तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे चूज करूंगा अपनी वर्क बुक जॉर्ट फॉर्म सबमिशन अब जैसे जैसी वर्क बुक पे आपेक्ट करूंगा तो जो भी मैंने पे कॉलम्स क्रिएट करे थे ये सारे कॉलम्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर और यही कॉलम्स हम करेंगे फिल पब्लिक कनेक्ट पे तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए हमारे वर्कबुक के सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं कॉलम ये है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई मेल एंड कॉन्टेक्ट नंबर देखिए ये सारी फील्ड्स हमको करनी है फिल अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एंटर टेक्स्ट और मैप डेटा या तो आप टेक्स्ट के थ्रू ये फील्ड्स फिल कर सकते हैं या तो आप डेटा मैप कर दे तो देखिए मैपिंग का मतलब क्या होता है मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब जॉट फॉर्म से जो भी हमको रिस्पॉन्स मिला था ये रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे वो भी विदाउट मेनुली टाइप करके इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करूंगा तो देखिए जॉट फॉर्म जो कि हमारी ट्रिकर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा रिस्पांस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो जो फर्स्ट नेम था जिस यूजर ने फॉर्म फिल किया था उनका फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप तो देखिए ये था उनका नेम फर्स्ट ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैम इसी तरीके से जो उनका लास्ट टीम था लास्ट टीम भी हम करेंगे मैप देन उनका ई एड्रेस जो भी फील्ड्स हम फिल करना चाहते हैं वो सब हम यहाँ पे कर देंगे फिल ये था उनका ई एड्रेस देन आता उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दिए फिल अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज़ मैंने यहाँ पे क्यों किया है? तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा ये वर्क फ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज मतलब आसान भाषा में मैं आपको तो जब भी जॉट फॉर्म पे जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है कॉन्टैक्ट फॉर्म इसमें कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा कोई नया डेटा हमको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो न्यू डेटा यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट हमारा वर्क फ्लो होगा ट्रिगर ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी एम एक्सल की रो में क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए बैपिंग होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्लिक करते सीवेंट्स एंड टेस्ट की बटन पे तो आप देखेंगे सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की रो में और देखिए यहाँ आप पे आपको ई पी आई हो चुका है रिसीव जो कि एक पॉजिटिव ईपीआई रिस्पॉन्स है इसका मतलब कि सारी डिटेल्स एक्सेल की रो में जाके हो चुकी हैं ऐड तो चलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट पे इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है ये था फर्स्ट नेम टेस्ट लास्ट नेम यूजर ईमेल था टेस्ट डेमो एट द रेट डॉट कॉम और ये था कॉन्टैक्ट नंबर इसका मतलब जो ऑटो मिशन हमने सेटअप किया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है सिंपली दो ऑटोमेशन कर दिया वर्क करेगा इंस्टेंटली रो में ऑटोमेटिकली जाके हो जाएगी रिकॉर्ड तो आइए चेक करते हैं, हैं। जॉट फॉर्म पे क्लिक करना आपको पब्लिश डिफरेंट डिटेल्स के साथ क्लिक करूंगा ओपन इन न्यू पे और चलिए इस बार नेम मैं देता हूं हर्ष फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुमार ई मेल ए बी सी एट द रेट पब्लिट्यूट्स डॉट कॉम और ये है कॉन्टैक्ट नंबर क्लिक करते हैं सबमिट पे और देखिए सक्सेसफुली फॉर्म मैंने यहाँ पे कर दिया सबमिट अब जाऊंगा मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अकाउंट पे इसको करूँगा रिफ्रेश और देखिए इंस्टेंटली जैसे फॉर्म सबमिशन वहाँ पे मेरे को रिसीव हुआ जॉट फॉर्म पे उसकी डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में ऑटोमेटिकली आके हो चुकी है एड ये है फर्स्ट नेम हर्ष लास्ट नेम कुमार ई मेल ए बी सी एट द रेट पब्लिट्स डॉट कॉम और ये है कॉन्टैक्ट नंबर इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहा आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल सिर्फ यही नहीं आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक क्रेडेट की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं सपोर्ट एट द रेट पेबली डॉट कॉम पर अगर आपको कोई क्वेरीज है आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं फॉरम डॉट पेबली डॉट कॉम पर अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू